प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में, वीडियो क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का वेलकम है। प्रिय विद्यार्थियों, आज जो अपना जो मैटर चलेगा, अपना जो वीडियो के माध्यम से जो आपको पढ़ाया जा रहा है, वीडियो के माध्यम से आपको जो बताया जा रहा है, वो है आज अपना लंग लकार। प्रिय विद्यार्थियों, जो लंग लकार है इसको हिंदी में कहते हैं भूतकाल। लंग लकार से तात्पर्य भूतकाल, अर्थ भूतकाल किसको कहेंगे, जो समय बीत चुका या निकल चुका। पहचान है हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, चुका, चुके, चुकी, गया, गए, गई इत्यादि शब्द आते हैं लंग लकार में, जिसको अपन अंग्रेजी में पास्ट टेंस कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में अपन पास्ट टेंस के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में अपन भूतकाल कहते हैं। तो ये जो लंग लकार है ये भूतकाल के नाम से जाना जाता है, यानी भूतकाल का मतलब जो भूत हो गया, जो बीत गया, जो समय निकल चुका, जो निकल चुका, गया। हिंदी वाक्यों के अंत में था, थे, थी, चुका, चुके, चुकी, गया, गए, गई, पढ़ा, पढ़े, पढ़ी, नाचा, नाचे, नाचे, मतलब लंग लकार के शब्द उसमें आएंगे अंत में। जब धातु में धातु रूप बनाने हेतु प्रत्यय जोड़ा जाता है तो धातु से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ये ध्यान रखना है, ए लगता है। जैसे धातु रूप बनाने के प्रत्यय बता रखे हैं, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष जो है, प्रथम पुरुष उसका एकवचन है अत, इसके नीचे अलंत लगेगा। अब जैसे मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसमें भी अत है लेकिन इसके नीचे अलंत नहीं है, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दे कि इसमें अत, अताम, अन, अह, अतम, अत, अम, आव, आम। अब धातु रूप बनाने की बनाया जा रहा है तो पट धातु में धातु रूप बना रहे हैं, तो वही पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष का एक क्वेश्चन है पट, पट में अत जोड़ेंगे तो अपठत होगा, क्योंकि धातु से पहले ए लगेगा। लंग लकार में ये पहचान है कि धातु में जब धातु रूप बनाने का प्रत्यय जोड़ा जाता है तो धातु से पहले ए लगेगा, वो अपनी तरफ से लगेगा। अपठत, अपठताम, अपठन, अपठह, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम, ये धातु रूप बना। ऐसे आगे अपन दूसरी धातु का रूप बनाते हैं, जैसे आगे बनाते हैं दूसरी धातु का रूप, तो आप इसी तरीके से और धातु रूप भी बना सकते हैं जिसमें धातु से पहले क्या लगेगा, ए, क्या लगेगा, ए लगेगा। जैसे और धातुएं हैं, जैसे मान लो क्रीड है, क्रीड का मतलब होता है खेलना, ये है। अगर अपन बनाएं तो ए, क्री, डे, ते, ये प्रथम पुरुष का एक वचन बना, प्रथम पुरुष का एक वचन, ए क्रीडत, ए क्रीडताम, ए क्रीडन, मध्यम पुरुष में एक वचन बनेगा, ए क्रीड है, अक्रीडतम और अक्रीडत। उत्तम पुरुष का बनेगा, उत्तम पुरुष, अक्रीडम, अक्रीडाव और अक्रीडाम, क्रीडाम। प्रिय विद्यार्थियों, जिन धातुओं के रूपों में प्रत्यय के लास्ट में हलंत लगा हुआ है उसका आप ध्यान रखें। इसमें मध्यम पुरुष बहुवचन है, इसके हलंत नहीं है, और इस प्रथम पुरुष एक वचन के हलंत है। जैसे अन्य धातुओं के रूप आप बनाए सकते हैं, जैसे गच्छ है, गच्छ के रूप बनाए, जैसे लिख है, लिख के रूप बनाए, जैसे पिब है, पिब यानी पीना, इसके रूप बनाए, जैसे हंस है, हंस मानी हंसना, इत्यादि धातु रूप आप बनाएंगे। गच्छ, लिख, पिब, हंस, इन धातु के रूप बनाओ आप, धातु रूप बनाने आपको। किरड़ है, गच्छ है, क्रीड के तो मैंने बना दिए हैं,
नोट करता जिस पुरुष वचन का होगा तो क्रिया का रूप भी उसी पुरुष वह वचन का होगा। उसी पुरुष व वचन का होगा। जैसे आपको बताएं, इसी में बताएं आपको एक वाक्य बताते हैं इसी में। जैसे जैसे वह पढ़ चुका, पहली बात तो लंगलकार पहचान चुका तो लंगलकार है। अब वह आता है प्रथम पुरुष में, लेकिन प्रथम पुरुष के जो सर्वनाम शब्द तीनों लिंगों में अलग अलग हैं, तो वह पढ़ चुका, ये कौन सी लकार कौन सी लिंग का है, यह पुल्लिंग का, तो वह क्या होगी, स है। अब अपने को पढ़ चुका, पढ़ने की धातु याद होनी चाहिए पठ। जब यह प्रथम पुरुष का एक वचन है तो पठ धातु में प्रथम पुरुष एक वचन का प्रत्यय जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा ए पठत। जैसे राम खेल चुका, लंगलकार है चुका, राम नाम है, नाम हमेशा प्रथम पुरुष में गिना जाता है, प्रथम पुरुष के कर्ता के रूप में गिना जाता है, तो राम एक वचन है, तो राम एक वचन है, तो राम है। खेलने जाता है तो क्रीड, क्रीड में प्रथम पुरुष एक वचन का ही प्रत्यय जोड़ेंगे ए क्रीडत, ऐसे बनते। जैसे तुम सब हास चुकी, लंगलकार है, तुम सब मध्यम पुरुष बहुवचन है तो यूयम, और ए हसत क्या बना, ए हसत, ये बना। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपको भी ऐसे ही धातु रूप बनाने हैं, और वाक्य से हिंदी वाक्य से संस्कृत भी आपको इसी प्रकार से बनानी है। आज का वीडियो का मैटर आपका यही रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू।